अस्सलाम वालेकुम। हम जो है इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स की हम जो है वो द लर्निंग ऑफ साइंस पढ़ने जा रहे हैं, और इसका हम जो चैप्टर नंबर है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, द फोर्सेस एंड द मशीन। तो इसका जो चैप्टर है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले जो है पिछली लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, और रीडिंग हम इस वीडियो के अंदर हाफ करेंगे इसके, और नेक्स्ट हाफ रीडिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर है हमारा द फोर्सेस एंड द मशीन, फोर्स और मशीन। इन प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में यू हैव लर्न, आप सीख चुके हैं दैट अ फोर्स इज डिफाइंड, कि फोर्स की डेफिनेशन है, फोर्स की तारीफ हम कर सकते हैं एज अ पुश आप पुल, यानी किसी चीज़ को पुश करना या फिर पुल करना यानी खींचना। फोर्सेज कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्सेज जो है इसको लगाने से हम किसी चीज़ की जो शेप है, शक्ल है, उसको भी चेंज तब्दील कर सकते हैं, एंड कैन चेंज द वे इट इज़ मूविंग, और हम जो है वो तरीका भी चेंज कर सकते हैं जिससे वो हरकत कर रही होती है। You cannot see force, आप force को देख नहीं सकते, but you can see what it does, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि वो क्या करती है। Forces are all around us, forces तमाम जो है हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। When you push a pull, to open the door, जब आप push करते हैं या pull करते हैं किसी दरवाजे को खोलने के लिए, for car के, you apply force, तो आप force लगाते हैं। इन अ सिमिलर वे, इसी तरह से, व्हेन यू राइट अ ड्रॉ समथिंग, जब आप लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं कुछ इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी पे, यू अप्लाई पुश और पुल फोर्सेस, तो आप ये पुश और पुल करने की जो फोर्स है ये लगाते हैं ऑन योर पेंसिल और पेन, अपनी पेंसिल या फिर पेन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। समटाइम्स इट इज़ कन्फ्यूजिंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, बाज़ुकार ये हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये बयान कर सकना फ़र्क मास और वेट में। एंड नॉर्मली पीपल यूज़ देयर दीज टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एज दे आर सेम, और बाज़ुकार लोग जो हैं इन दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को, दो मुख्तलिफ जो है डेफिनेशन को एक ही जो है वो समझते हैं, बट देर वेरी डिफरेंट इन साइंटिफिक टर्म, लेकिन साइंसी लिहाज से ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मास इज यूज टू रिप्रजेंट, मास इस्तेमाल किया जाता है जाहिर करने के लिए द क्वान्टिटी ऑफ मैटर ऑफ इन एन ऑब्जेक्ट, मकदार किसी भी मादे की एक उस चीज़ के अंदर बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ ट्रक हैज़ मोर मास देन अ कार, एक ट्रक का मास जो है वो एक कार से ज़्यादा है। सिमिलरली इसी तरह से, एन एलिफेंट हैज़ मोर मास, एक जो हाथी है उसका मास ज़्यादा है देन अ ज़ेब्रा, एक ज़ेब्रा से। मास इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन ग्राम्स, मास की जो पैमाइश है वो हम आमतौर पर ग्राम में करते हैं, एंड किलोग्राम्स और किलोग्राम में। इन इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक, एंड मास इज़ नॉट अ फोर्स, लेकिन मास जो है वो फोर्स नहीं है। दूसरी तरफ हम वेट के बारे में देखते हैं, वेट इज़ अ फोर्स, वेट एक फोर्स है। विद विच द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ पुल्स समथिंग, जिसके साथ जो ये कौन सी फोर्स है कि जिसमें जो ज़मीन की ग्रेविटी है वो हमें खींचती है किसी भी चीज़ को अपने सेंटर। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेक यू मूव, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो आपको हरकत करवाती है, हरकत करने में मदद देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वेन यू जम्प फ्राम अ हाइट, लेट्स से 8 feet, जब आप किसी हाइट से जो है वो ऊंचाई से जंप लगाते हैं, मिसाल के तौर पर आप कह लें कि 8 feet इन द स्विमिंग पूल में, इट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट पुल्स यू डाउन, जो आपको नीचे खींचती है। द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, जो फ़र्क है मास और वेट में, कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इसको जो है वो हम वजाहत कर सकते हैं नीचे दी गई मिसाल से। स्टैंड ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्केल, एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल पे खड़े हो जाएं, इट विल शो योर वेट, तो उस पर आपको आपका वेट दिखाई देगा। नाउ आस्क योर फ्रेंड, अब अपने दोस्त को कहिए टू प्लेस हिज हैंड ऑन योर शोल्डर, कि वो अपना हाथ आपके कंधे पे रखें, एंड पुश डाउन, और नीचे दबाएं। यू विल नॉट टेस्ट, तो आप जो है ये देखेंगे दैट योर वेट हैज़ इंक्रीज, कि आपका वेट भी बढ़ रहा है। एंड व्हेन योर फ्रेंड रिमूव्स हिज हैंड, और जब आपका दोस्त अपना हाथ हटाएगा, द इलेक्ट्रॉनिक स्केल विल शो योर ओरिजिनल वेट, तो इलेक्ट्रॉनिक स्केल जो है ये दोबारा आपको आपका असल वजन जो है वो दिखा देगा। दिस शोज दैट, ये बताता है कि फोर्स कैन इंक्रीज योर वेट, के फोर्स जो है वो बढ़ा सकता है आपके वजन को, वेयर एज द मास रिमेंस सेम, जबकि मास जो है वो सेम रहता है जितनी मर्जी आप फोर्स उसके ऊपर लगा लें। देन द मेजरिंग फोर्स,
The quantity of a force can be measured in the unit of Newton, units of Newton. जो मिकदार है फोर्स की उसको उसकी पैमाइश की जा सकती है न्यूटन में एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन और इसको जाहिर करते हैं सिंबल एन से. फोर्सेस कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ फोर्स मीटर. फोर्सेस को जो है उसकी पैमाइश की जाती है फोर्स मीटर को इस्तेमाल करके. फोर्स मीटर्स कंटेन अ स्प्रिंग कनेक्टेड टू अ मेटल हुक और इसमें क्या होता है ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसके साथ एक मेटल की हुक है. द स्प्रिंग स्ट्रेच ये स्प्रिंग जो है ये इसमें लचक है. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू द हुक जब आप कोई फोर्स इसके हुक के साथ लगाते हैं तो इसमें लचक है और ये जो है स्ट्रेच होता है. द ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड तो जितनी ज़्यादा आप फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो द लॉन्गर द स्प्रिंग स्ट्रेच तो उतना ज़्यादा जो ये स्प्रिंग है ये स्ट्रेच करेगा. इफ़ यू हैंग 2 kg ऑफ मास अगर आप इसके साथ लटकाते हैं 2 kg मास ऑन द फोर्स मीटर में तो इट विल पुल द स्प्रिंग ऑफ फोर्स मीटर तो ये पुल कर देगा खींच देगा इसके स्प्रिंग को विद अ फोर्स ऑफ 19.6 newton अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 19.6 newton की फोर्स के साथ. बिकॉज यू नो दैट वेट इज़ अ फोर्स क्योंकि आप जानते हैं कि वेट क्या है एक फोर्स है. देन द मशीन्स व्हेन पीपल थिंक अबाउट मशीन जब लोग मशीन के बारे में सोचते हैं they probably think about airplanes, cars, parcels or any other machine that has a motor. तो वो क्या सोचते हैं वो सोचते हैं airplanes के बारे में, cars के बारे में और मतलब ऐसे हर चीज़ के बारे में जिसके साथ motor connect होती है. What they may not think about is a fact और वो क्या है जो नहीं सोचते वो ये हकीकत that every machine does not need a motor for it to work कि हर मशीन को मोटर की ज़रूरत नहीं होती अपना काम करने के लिए. जैसे टेनिस रैकेट्स हैं, बॉटल ओपनर हैं, नेल्स हैं एंड सीजर्स हैं ये सारी और ऑल कंसिडर मशीन्स इन सब को भी हम मशीन्स ही कंसिडर करते हैं. एंड द ओनली थिंग नीड्स और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है इनके लिए टू मेक दीज मशीन्स वर्क इज़ अ ह्यूमन विद सम फोर्स और जो इनको इन मशीन्स को काम करवाता है वो इंसान खुद है थोड़ी फोर्स लगा के. इन साइंस साइंस के अंदर अ मशीन इज़ अ डिवाइस मशीन जो है वो एक ऐसी डिवाइस है आर टूल या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा टूल है विच मेक आर वर्क ईजियर जो हमारा काम आसान बना देता है बाय अप्लाइंग फोर्स फोर्स लगा कर. चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये चेंज तब्दील कर देता है फोर्स की डायरेक्शन को एंड इंक्रीजेज द स्पीड विद विच वर्क इज डन और बढ़ा देता है उस स्पीड को जिससे पहले काम हो रहा होता है यानी कि जो काम इसके बगैर हो रहा होता है उसके साथ जो है वो डबल स्पीड के साथ होता है. वो यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर आर स्पून टू ओपन द लिड ऑफ द पेंट बॉक्स हम स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल करते हैं या फिर एक स्पून को इस्तेमाल करते हैं पेंट बॉक्स का ढक्कन खोलने के लिए जबकि वेयर एज इट इज़ वेरी हार्ड टू ओपन इट विद योर फिंगर्स ये इसको बहुत मुश्किल है इसको खोलना अपनी उंगलियों के साथ. अ टैब इज़ यूज टू ओपन द कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आर जूस एंड विद द हेल्प ऑफ द हैमर और इसके साथ जो है एक टैब को इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैन या फिर सॉफ्ट ड्रिंक या फिर जूस का खोलने के लिए विद हैमर. वी कैन प्लेस अ नेल इन द वॉल और इन द इसी तरह से फिर हम जो है हथौड़े के साथ नेल जो कील है उसको दीवार में जो है वो लगा सकते हैं आई इन अ पीस ऑफ वुड या फिर लकड़ी के किसी टुकड़े में. इवन वी कैन पुल अ नेल यहाँ तक कि हम उस नेल को जो हमने लगाया है कील को उसको हम उखाड़ भी सकते हैं आउट फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड उस लकड़ी में से आर अ वॉल या फिर दीवार में से विद द हेल्प ऑफ अ हैमर उसी हथौड़े की मदद से उसकी दूसरी साइड से. इवन इन अर्ली डेज मैन यूज सम सिंपल मशीन्स यहाँ तक कि शुरू वाले दौर में जो पुराने वक्तों में भी जो है इंसान इस्तेमाल करता है कुछ सादा मशीनों को टू मेक हिज़ वर्क ईजियर अपना काम आसान बनाने के लिए जैसे दे यूज़ लॉग टू मूव बिग एंड हैवी स्टोन्स ये लॉग को इस्तेमाल करते थे जो है बड़ी और हैवी स्टोन्स उठाने के लिए और द लॉग इंक्रीजेज द फोर्स अप्लाइड एंड मूव द स्टोन लॉग क्या करता था वो फोर्स जो उसके ऊपर लगाई जा रही थी वो मज़ीद बढ़ा देता था ये जैसे आप ऊपर देख रहे हैं ये लॉग की मदद से एक स्टोन उठा रहा है भारी तो साथ में वो स्टोन को मूव करने में भी हेल्प देता है. नेक्स्ट पेज नाउ अबाउट द सिंपल मशीन सम मशीन्स आर टूल्स विच हैव फ्यू आर नो मूविंग पार्ट्स कुछ मशीन्स ऐसे टूल्स हैं जिनके साथ कुछ या फिर कोई भी ऐसा हिस्सा मौजूद नहीं है जो कि हरकत कर सकता हो. इवन थो दीज टूल्स हैव नो मोटर बट दे आर मशीन्स और यहाँ तक कि उनके साथ कोई मोटर नहीं लगी लेकिन फिर भी वो मशीन है बिकॉज दे परफॉर्म अ जॉब क्योंकि वो एक काम करती हैं एंड मेक आर वर्क ईजियर हमारा काम आसान भी करती हैं. दीज टाइप्स ऑफ मशीन्स आर नोन एज सिंपल मशीन्स तो इस तरह की मशीन्स को हम क्या नाम देते हैं सिंपल मशीन्स का.
सिंपल मशीन्स कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग फोर्स. सिंपल मशीन्स जो हैं वो मदद कर सकती हैं फोर्स को बढ़ाने में, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन उसको तब्दील करने में, इंक्रीजिंग एलिवेशन ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट, जो है भारी चीज़ों को उठाने में, पुल करने में, स्प्लिट तोड़ने में, फास्टनिंग तेज़ करने में, कटिंग कट करने में, लिफ्टिंग उठाने में, एंड गोइंग फास्टर, यहाँ पे तेज़ अगेन वही के तेज़ जाने के लिए. यू डू वर्क व्हेन यू आर यूजिंग फोर्स टू कॉज अ मोशन. आप काम करते हैं जब आप फोर्स लगाते हैं और उसे हरकत करवाते हैं. तो देयर आर टू फैमिलीज ऑफ सिंपल मशीन्स. दो हमारे पास एग्जाम है सिंपल मशीन्स की, लिवर एंड वेजेस. लिवर फैमिली के अंदर लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सल आ जाते हैं. और वेज फैमिली के अंदर इंक्लाइंड प्लेन्स, वेज एंड स्क्रूज आ जाते हैं. बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ द सिक्स सिंपल मशीन्स. नीचे आपको दिखी हुई उन्होंने छः सिंपल मशीन्स जो हैं वो भी दिखाई हैं. दैट इज स्क्रू, इंक्लाइंड प्लेन, लिवर, वेज, पुली एंड द व्हील एंड एक्सल. अब हम फर्स्ट फैमिली देखते हैं सिंपल मशीन्स की, लिवर. There are two fundamental parts of this simple machine. दो अहम अज्जा हैं, हिस्से हैं इस सिंपल मशीन के, लिवर एंड द फल्क्रम. अ लिवर इज़ ए स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग बार. लिवर जो है एक सीधा लेकिन एक मजबूत बार है. दिस अलाउज द ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स फ्राम द पॉइंट ऑफ एफर्ट टू द पॉइंट ऑफ लोड. और ये जो है परमिट करता है, इजाज़त देता है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सके फल्क्रम, फोर्स जो है वो एक पॉइंट से एफर्ट के पॉइंट से लोड तक. और फल्क्रम वो पॉइंट होता है जो उसको सहारा देता है, उसको सपोर्ट देता है. लिवर मिलके बना होता है दो पार्ट से, द लोड आर्म एंड द एफर्ट आर्म. यानी एक तरफ लोड आर्म और दूसरी तरफ एफर्ट आर्म. लोड आर्म इज़ द पार्ट ऑफ लिवर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फल्क्रम टू द पॉइंट ऑफ अ लोड. लोड आर्म वो हिस्सा है लिवर का जो कि फल्क्रम से निकलता है और इस हिस्से तक जाता है जहाँ पर लोड उठाया जाता है. वेयर द लोड इज़ लोकेटेड ऑन द लिवर, जहाँ पर लोड जो है वो लिवर से हम उठाते हैं. एंड द लोड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड मूव्ड आर पुश्ड. और फिर जो लोड है उस चीज़ का उसको यहाँ हरकत करवाया जाता है, यहाँ पर पुश किया जाता है. एफर्ट आर्म वो पार्ट है लिवर का दैट एक्सटेंड फ्रॉम द फल्क्रम जो कि फल्क्रम से निकलता है टू द पॉइंट ऑफ द एफर्ट, एफर्ट पे, एफर्ट के पॉइंट पे जहाँ पे उसके ऊपर सारी की सारी जो फोर्स है वो लग रही है. द पोजिशन वे फोर्स आर एफर्ट इज अप्लाइड, वो जगह जहाँ पे सारी कोशिश, यहाँ पे दूसरे नंबर पे फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है टू मूव द लोड, लोड को मूव करवाने के लिए. इफ़ यू प्लेस अ फल्क्रम नियर द लोड, तो अगर आप फल्क्रम को जो है वो लोड के करीब, लोड आर्म के करीब कर दें, इट विल मेक द एफर्ट आर्म लॉन्गर. तो ये क्या करेगा, फिर एफर्ट आर्म लंबा हो जाएगा और आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा. यानी कि हम लोड, एफर्ट और फल्क्रम की बेस के ऊपर आगे से लीवर की मुख्तलिफ इकसाम हैं और उस तरह से मुख्तलिफ मशीन्स हैं. यू माइट हैव सीन अ स्मॉल चाइल्ड लिफ्टिंग अ हैवी चाइल्ड ऑन द सीसा. आपने अक्सर देखा भी होगा कि एक छोटा जो बच्चा है वो एक बड़े भारी, बड़े ज़्यादा वज़न के बच्चे को जो है वो सीसा में उठा लेता है. यानी कि उसको वो ऊपर और दूसरा वाला बच्चा जो है वो, हालांकि उसका वज़न कम है लेकिन वो नीचे होता है. द सीसा इज़ अ टाइप ऑफ लीवर, तो सीसा जो है ये भी एक लीवर की टाइप है. अब टाइप्स ऑफ द लीवर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द लीवर. तीन इकसाम है लीवर की. एंड ईच टाइप डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द फल्क्रम, लोड एंड द फोर्स आर एफर्ट अप्लाइड. तीन इकसाम है इसकी और ये तीनों डिपेंड करती हैं फल्क्रम की, लोड की, और यहाँ पर जो एफर्ट उसके ऊपर लगाई जाती है, फोर्स कह सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है. ईच क्लास और लीवर इफेक्ट्स फोर्स इन ए डिफरेंट वे. हर जो क्लास है लीवर की वो इफ़ेक्ट करती है फोर्स पे मुख्तलिफ तरीके से. एंड ईच क्लास हैज़ डिफरेंट वर्क, और हर क्लास का मुख्तलिफ काम है. लेट अस लर्न अबाउट दीज टाइप्स इन डिटेल. तो हम इन टाइप्स को डिटेल में देखते हैं. इन दिस टाइप ऑफ लीवर, टाइप वन, इस टाइप में फल्क्रम इज़ इन द मिडल. फल्क्रम मिड में होता है ऑफ द लोड एंड एफर्ट, और लोड और एफर्ट जो है वो साइड पे. इन द गिवन पिक्चर अ मैन इज़ पुशिंग अ ट्रॉली. ये आपको ये तस्वीर दिखाई जा रही है जिसके अंदर एक आदमी क्या कर रहा है, वो ट्रॉली को पुश कर रहा है विद अ लोड ओनर, जिसके अंदर लोड रखा हुआ है. द फल्क्रम इज़ द व्हील एंड एफर्ट इज़ अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग फोर्स. ये जो इसके व्हील हैं इस ट्रॉली के, दैट इज़ अ फल्क्रम, ये इसके फल्क्रम कहलाएंगे. यहाँ पे लोड है और ये पीछे क्या लगाया जा रहा है, ये एफर्ट लगा रहा है. तो ये एफर्ट, फल्क्रम एंड द लोड. तो दिस इज़ अ टाइप वन ऑफ द लीवर. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लीवर इज सीसा. बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो है वो इसकी सीसा है. वेन टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम वेट यू सीसा, जब दो बच्चे लेकिन जिनका वजन एक जैसा है वो सीसा को इस्तेमाल करते हैं. दे आर एट द सेम डिस्टेंस, वो एक दूसरे के जो है वो बराबरी के फासले पे बैठे होते हैं फ्रॉम द फल्क्रम, फल्क्रम से. इसका मतलब हुआ कि दे आर बैलेंस्ड, कि ये बैलेंस है. इस तरह से है ना, ये सीसा, ये बीच में फल्क्रम है और एक तरफ लोड और एक तरफ एफर्ट है.
अच्छा, यानी कि जब ये बदलता जाता है ना, जब यहाँ पे जोर लगाया जाएगा, ये वाला बच्चा जोर लगाएगा तो ये लोड जो है वो एफर्ट है और यहाँ लोड है, और जब यहाँ वाला बच्चा जो है वो जोर लगाएगा तो फिर यहाँ एफर्ट है और ये लोड है, तो ये दोनों जो है वो आमने सामने फलक्रम के आगे पीछे. दिस मीन्स दैट दे आर बैलेंस्ड. व्हेन अ हैवियर चाइल्ड सिट्स एट वन एंड, लेकिन जब जो है एक हैवी बच्चा एक साइड पे बैठ जाएगा, ही यूजुअली मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो आमतौर पे क्या करता है, सेंटर में आ जाता है, विच गिव्स एन एडवांटेज, जो कि फ़ायदा देता है टू द अदर किड, दूसरे बच्चे को, हैविंग लेसर वेट, जिसका वजन कम होता है. ऑल मशीन्स वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, तमाम मशीनें इसी प्रिंसिपल पे काम करती है. व्हेन अ लेसर एफर्ट इज यूज टू लिफ्ट अ हैवियर लोड, जब कम एफर्ट के साथ एक हैवी लोड उठाया जाता है, द एफर्ट हैज़ टू बी एट अ लार्जर डिस्टेंस, तो वहाँ पे एफर्ट जो है वो फलक्रम से थोड़ी डिस्टेंस पे ही रखी जाती है. नीचे ये एग्जांपल्स हैं, कटिंग, सीजर के साथ कट करना, दिस इज फलक्रम, दिस इज एफर्ट एंड दिस इज लोड, अगेन सीसा, दिस इज फलक्रम एंड एफर्ट एंड द लोड, देन अगेन कटर, दिस इज फलक्रम और लोड एंड द एफर्ट. Type 2. In this type of liver, liver के इस किस्म में, the fulcrum is at one end, fulcrum एक तरफ, the applied force is at the other end, force जो है वो दूसरी तरफ, and the load is in the middle. यहाँ पे load mid में है. The most common examples of this type is a wheelbarrow. Most a common example इसकी कौन सी है? ये जो wheelbarrow है, जिसको इस्तेमाल किया जाते हैं अक्सर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में भी इस्तेमाल किया जाता है ना, इसके ऊपर लोड उठा के ईंटें वगैरह ऐसा का दूसरा सामान जो है रेत सीमेंट वगैरह उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाया जाता है. व्हील इज़ अ फलक्रम, यहाँ पे ये आपके पास जो है व्हील, ये इसके फलक्रम है. द लोड इज़ विद इन द बॉक्स, जो लोड होगा वो इस बॉक्स के अंदर है, जो भी इसमें पड़ा होगा ईंटें हैं, रेत है, सीमेंट है, एंड उसके बाद जो है द बॉक्स एंड द फोर्स इज द लिफ्ट अप्लाइड बाय द मैन, और यहाँ पे जो वो इंसान जो आदमी इसको पुश करेगा तो जो जोर लगाएगा इसके ऊपर एफर्ट लगाएगा वो यहाँ से लगाएगा, तो ये एफर्ट लोड एंड द फुलक्रम यानी कि लोड इन द मिडल. दीज टाइप्स ऑफ लिवर्स आर फोर्स मैग्नीफायर्स, दे एनहांस स्मॉलर फोर्स इनटू अ लार्जर फोर्स, ये फोर्स मैग्नीफायर्स है यानी कि ये बढ़ा देते हैं थोड़ी फोर्स को ज़्यादा में. द फुलक्रम इज़ नियर द फोर्स, फलक्रम जो है वो फोर्स के करीब होते हैं, विच इंक्रीजेज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द एफर्ट, जो कि जो घूमने की कैपेसिटी है फलक्रम की फिट की उसको बढ़ा देता है. अदर एग्जांपल्स ऑफ द टाइप टू लिवर्स आर, और दूसरी जो एग्जांपल्स हैं इसकी, नट क्रैकर, बोटल ओपनर, डोर्स एंड द पेपर कटर, जो दिखाया है उन्होंने, दिस इज बोटल ओपनर, यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, ये लोड है, यहाँ पे ये हाथ से एफर्ट लगाई जा रही है इसको इस्तेमाल करते हुए, एंड दिस इज फलक्रम, अगेन पेपर कटर, दैट इज़ लोड, यहाँ एफर्ट लगाई जाती है, और ये है फलक्रम जो रोटेशन हो रही है जहाँ पर, दिस इज़ नट क्रैकर, और यहाँ बीच में जो नट रखा जाता है ये लोड है, ये फलक्रम है, और यहाँ पे इसको लगा के इसको तोड़ा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एफर्ट. टाइप 3. इन दिस टाइप ऑफ लिवर, इस किस्म है जो ये वाली जो किस्म है लिवर की, फलक्रम इज़ एट वन एंड, फलक्रम एक तरफ होता है, द लोड इज़ एट द अदर एंड, लोड जो है वो दूसरी तरफ, एंड द एफर्ट इज़ इन द मिडल, यहाँ एफर्ट मिड में है. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लिवर इज़ ह्यूमन फोरआर्म, सबसे ज़्यादा अहम कॉमन आम एग्जाम्पल मिसाल जो है इस किस्म की लिवर की वो है ह्यूमन, हमारा बाजू. दिस क्लास ऑफ लिवर यूजेज अ लार्ज एफर्ट टू मूव अ स्मॉल लोड, ये जो क्लास है लीवर की इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई जाती है थोड़ा सा लोड भी उठाने के लिए, एंड लोड ट्रेवल्स लार्जर डिस्टेंस देन द फोर्स, और लोड जो है वो पे उसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड दीज टाइप ऑफ लीवर्स आर यूजली फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड एट विच अ लोड मूव, और ये वाला लीवर इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर जो है वो बढ़ाने के लिए स्पीड लोड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए. वुडन बैट है या क्रिकेट का जो, यहाँ पे बेसबॉल है, हॉकी स्टिक है, ब्रूम है, झाड़ू, उसके अलावा फोर्सेप्स हैं, फोर्सेप्स जिससे जो है वो आइस टंग्स हैं, ये भी चिमटी होती है ना छोटी सी, फोर्सेप्स, और इसके बाद आइस टोंग है वो उसको उठाने के लिए बर्फ़ को, फिशिंग रॉड है, स्टैपलर्स हैं, ये सारी इसकी एग्जांपल्स. ये है फलक्रम, तो यहाँ लग रहा है एफर्ट और यहाँ लग रही है लोड, तो ये है
एफर्ट इन द मीटर. स्टेपलर, यहाँ एफर्ट लग रही है, ये है फल्क्रम और यहाँ बीच में जो है वो रखा गया लोड. फिशिंग रॉड है एफर्ट, लोड एंड द फल्क्रम. लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम. पुली इज़ अ डिवाइस. पुली एक ऐसी डिवाइस है डिज़ाइन जिसको डिज़ाइन किया गया है टू हैव पीपल टू पुल डाउन और लिफ्ट अप हैवी ऑब्जेक्ट्स, मदद करने के लिए लोगों की कि वो जो है वो नीचे खींच सकें या फिर ऊपर खींच सकें हैवी चीज़ों को. अ पुली इज़ अ व्हील. पुली असल में एक व्हील है विद अ रोप जिसके साथ रस्सी होती है अराउंड उसके गिर्द. द रोप फिट्स इन टू द ग्रूव ऑन द व्हील. जो रोप है रस्सी है उसको ये जो व्हील है इसके ये जो गहरी सी इसके अंदर ग्रूव कहते हैं नाली को उसके अंदर जो है इसको रस्सी को फिट किया जाता है. और देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द पुली. पुली के दो हिस्से हैं, एक व्हील होता है और एक उसके साथ रस्सी होती है, रोप होती है. द लोड एंड द फोर्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. और जो लोड है और जो फोर्स है यानी कि एफर्ट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. एक फ्लैग पोल में, फ्लैग इज टाइड विद द स्ट्रिंग. फ्लैग को जो है वो एक धागे के साथ बांधा होता है विच गोज राउंड द पुली, जो कि पुली के गिर्द जो है उसको उसने घेरा हुआ है. द पुली इज फिक्स. पुली यहाँ पे फिक्स है एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल. फ्लैग पोल के टॉप पे दिस इज पुली. और व्हेन द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल डाउन, और जब दूसरा हिस्सा इसका खींचा जाता है नीचे को तो फ्लैग गोज अप, तो ये झंडा ऊपर जो है वो जाता जाता है. इन दिस वे इस तरीके से पुली हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. पुली मदद करती है फोर्स की डायरेक्शन को भी चेंज करने में विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द फ्लैग, जो कि उस झंडे को ऊपर रेज करने के लिए चाहिए होती है. द पुली टर्न्स एज अ स्प्रिंग मूव्स. पुली जो है वो टर्न होती है जैसे जैसे वो धागा या वो रस्सी जो है वो हरकत करती है ओवर द व्हील, व्हील के ऊपर. एंड द लोड इज रेज्ड एज अ स्ट्रिंग इज पुल्ड, और वो जो लोड है वो ऊपर जाता है जैसे जैसे रस्सी को नीचे पुल किया जाता है. फिक्स पुली डज नॉट चेंज इज पोजिशन. फिक्स पुली अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती बिकॉज इट इज़ फिक्स विद सम सपोर्ट, क्योंकि वो फिक्स होती है किसी सहारे के साथ. अ फिक्स पुली मेक्स वर्क ईजियर. फिक्स पुली जो है वो काम को आसान बना देती है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो है वो सिमत चेंज करके जो फोर्स लगाई जा रही है उसकी. विद अ फिक्स पुली, फिक्स पुली के साथ द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड रिमेन्स द सेम. जो फोर्स लगाई जाती है उसको खींचने के लिए वो सेम रहती है एज लिफ्टिंग इट बाई हैंड, क्योंकि जब इसको हाथ से खींचा जाता है. बट रियलाइज हाउ ईजियर इट इज़ टू रेज आर फ्लैग आर सेल फ्रॉम द ग्राउंड as compared to climbing up the pole or mast of a ship. And other common use of single fixed pulley is in lifting water from the. एक और जो मिसाल है single fixed pulley की वो क्या है, पानी को कुएं से निकालना. पुली मेक्स इट ईजी है. पुली इसको आसान बना देती है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, पानी को निकालना कुएं से, as compared to drawing water from the well with your hand, जबकि अपने हाथ से जो है वो पानी को कुएं से निकालने से ये ज़्यादा उसको आसान कर देती है. Another kind of pulley is a movable pulley. एक और मिसाल है पुली की वो है हरकत करने वाली. इन द मूवेबल पुली के अंदर जो स्ट्रिंग है या फिर रोप है वो फिक्स होती है सम सपोर्ट के साथ, सहारे के साथ. और लोड दोनों वो द लोड एंड द पुली जो है दोनों मूव करते हैं. द लोड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज अ फोर्स अप्लाइड. लोड तो उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ आप फोर्स लगाएंगे. मूवेबल पुली अलाउ यू टू यूज़ लेस फोर्स टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट. मूवेबल पुली जो है वो आपको थोड़ी फोर्स के साथ चीज़ को उठाने में मदद देती है. द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सपोर्टिंग रोप्स एंड द पुली. और कितनी अमाउंट आपने फोर्स की लगानी है ये मुनहसर करता है कि कितनी तादाद आपने रस्सियों की यहाँ पर पुली की इस्तेमाल की है. वैन द लोड इज सपोर्टेड विद मोर नंबर ऑफ सपोर्टेड रोप्स एंड पुली. जब लोड जो है उसको सपोर्ट मिले ज़्यादा तादाद में रस्सी और पुली के साथ तो रिक्वायर्ड फोर्स लेस टू मूव द लोड, तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगी मूव लोड को मूव करवाने में. Instead of using a single pulley, we can use multiple pulleys. बजाय इसके कि हम single pulley को इस्तेमाल करें हम multiple pulleys को भी इस्तेमाल करते हैं with a rope रस्सी के साथ passing around them उनके ऊपर से गुजार के. Combination है जो इन pulleys का, इसको block and tackle या फिर pulley system कहा जाता है. This system makes our work easier. इसने हमारा काम आसान बना दिया. In this system, each block contain more than one pulley. इस system के अंदर जो है हर block उसके अंदर एक से ज़्यादा पुली है, आयर फिक्स हो या फिर मूवेबल हो. और यहाँ पे लॉक है इन सिस्टम के अंदर विच होल्ड द लोड, जो कि होल्ड करता है लोड को बाय स्लिपिंग बैक, पीछे स्लिप करवा के.
पुली सिस्टम हेल्प्स अस टू लिफ्ट हैवी लोड. ये जो पुली सिस्टम है ये हमारी मदद करता है हैवी लोड को उठाने में. इन द फिगर, इस फिगर में यू कैन सी, आप देख सकते हैं दैट द ब्लॉक कंटेन मोर देन वन पुली, कि एक ब्लॉक जो है एक से ज़्यादा पुली इसको सपोर्ट कर रही है. एंड द लोड इज सपोर्टेड बाई ईच रोप इक्वली, और लोड को सपोर्ट मिल रहा है हर रस्सी के साथ बराबरी के साथ. नाउ यूजेज ऑफ द पुली इन आर डेली लाइफ, पुली के इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में. द यूज़ ऑफ पुलिस इज़ वेरी कॉमन इन आर डेली लाइफ. पुली का इस्तेमाल हमारी आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आम है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फ्राम आर डेली लाइफ आई एज अंडर, कुछ मिसालें जो हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से वो आपको यहाँ पर दी जाती हैं. पुली आर यूज टू रेज कर्टन्स इन थिएटर. पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है थिएटर में कर्टन्स को उठाने के लिए, पर्दों को, ऑफिस में या फिर घरों में भी. मोटर मैकेनिक्स यूज पुली सिस्टम टू लिफ्ट आर टू प्लेस हैवी पार्ट्स इन कार. मोटर मैकेनिक्स भी पुली का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों को उठाने के लिए और फिर उसका हैवी पार्ट कार का रिप्लेस करने के लिए. ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स क्रेन्स आर यूज टू लिफ्ट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटीरियल. जहाँ पे तमीराती काम हो रहे होते हैं वहाँ पे क्रेन इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ चीज़ों को उठाने के लिए, वो भी पुली के प्रिंसिपल पे वर्क करती है. इन अ कार इंजन देयर इज अ बेल्ट विच मूव अराउंड एंड हेल्प द कार टू मूव. कार के इंजन में भी एक बेल्ट होता है जो कि मूव करता है, जो है हरकत करता रहता है और कार को हरकत करने में मदद देता है, वो भी पुली पे प्रिंसिपल पे काम करता है. ऑन द डॉक मशीन सिमिलर टू क्रेन्स हेल्प इन लिफ्टिंग एंड लोअरिंग लार्ज शिपिंग कंटेनर्स इन टू ऑन टू एंड ऑफ द शिप. और इसके अलावा जो है जैसे कार को उठाने के लिए और उसकी उसके पार्ट्स को बदलने के लिए हम पुली का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हम शिप में, शिप को भी उसके एक कंटेनर से उठा के दूसरे कंटेनर में जो है वो रखने के लिए भी पुली का इस्तेमाल करते हैं. इन सम प्लेसेस वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेल्स विच यूजेस पुली एट द टॉप ऑफ इट. कुछ हिस्सों में हम कुएं में से पानी निकालने के लिए भी पुली का इस्तेमाल करते हैं जो कि इसके सबसे ऊपर लगी हुई होती है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है. दैट इज़ पुली, और इस हिस्से को खींच के हम, इस स्ट्रिंग को खींच के हम इसे बकेट से पानी बाहर निकालते हैं. इन अ जिम मैनी एक्सरसाइजिंग मशीन्स यूजिंग पुलीज लाइक ट्रेडमिल्स एंड स्टेशनरी बाइक्स. इसके अलावा जिम में भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाली जो मशीन्स है जैसे ट्रेडमिल्स हैं जिसके ऊपर वॉक करते हैं हम, और इसके अलावा स्टेशनरी बाइक्स हैं जो कि अपनी जगह पर रहती हैं लेकिन आप उसको साइकिलिंग करते हैं एक्सरसाइज, तो ये दोनों भी पुली के प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं जहाँ के वो एक जगह पे रहती हैं बस उसके लिए हरकत होती है. देन व्हील एंड एक्सल. लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने इर्द गिर्द देखें. यू विल नोटिस दैट देयर आर मेनी मशीन्स विच वर्क विद द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील्स. तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मशीन आपके इर्द गिर्द जो है वो व्हील के कॉम्बिनेशन पे काम कर रही हैं. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड आर वर्क अ लॉट ईजियर. जब इन्वेंशन हुई थी, इजाद हुई थी व्हील की, तो उसने हमारे काम को बहुत आसान बना दिया. इट कम्प्लीटली चेंज द वे मैन ट्रेवल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसने मुकम्मल तौर पे बदल दिया इंसान के सफ़र करने का तरीका, उसका एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका, चीज़ों को लेके जाने का तरीका. इफ़ व्हील्स वॉज नॉट इन्वेंटेड, अगर जो पहिए हैं व्हील हैं ये इजाद ना होते, वी हैड टू ट्रेवल ऑन फुट, तो हमें जो है अभी भी सफ़र अपने पाँव पे करना होता. एंड देयर वुड बी नो कार्स और एनी अदर टाइप ऑफ व्हीकल, तो फिर कोई भी जो है ये गाड़ियाँ जिसमें कार या फिर दूसरी गाड़ियाँ ना होती. तो द व्हील इज़ नॉट अ मशीन, व्हील एक मशीन नहीं है, बट इट कम्स अ मशीन, बिकम्स अ मशीन व्हेन वी कंबाइन इट विद एन एक्सल. लेकिन ये मशीन बन जाती है जब हम इसको एक एक्सल के साथ जोड़ दें. सिंपल मशीन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज़ अ व्हील एंड एक्सल. और अब हम जिस मशीन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं वो है व्हील एंड एक्सल, विच इज़ यूज टू इंक्रीजिंग इंक्रीज अ टर्निंग आर रोटेशनल फोर्स. इसको इस्तेमाल किया जाता है बढ़ाने के लिए या टर्न करने के लिए जो है वो घुमाने वाली फोर्स को, रोटेशनल फोर्स. दिस डिवाइस इज़ कम्पोज ऑफ अ व्हील डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन एक्सल. ये मुश्तमिल है जिसके अंदर एक व्हील जो है वो एक्सल के साथ जुड़ा होता है, विच टर्न टू रोटेट अबाउट अ कॉमन एक्सिस, जो कि अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता रहता है. ये अरेंजमेंट है जो व्हील एंड एक्सल की ऑपरेट सिमिलर टू दैट ऑफ लीवर, इसको बिल्कुल लीवर की तरह चलाया जाता है. हाउएवर ताहम इट इज़ डिफरेंट इन द सेंस, ये इस तरह से मुख्तलिफ है दैट इट हैज़ एबिलिटी टू इंक्रीज अ रोटेशनल फोर्स, कि ये रोटेशन ही घूमने की जो फोर्स है उसको बढ़ा सकता है इंस्टेड ऑफ लीनियर फोर्स. लीनियर फोर्स की निस्बत अ लीनियर फोर्स टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर फोर्स सीधी होती है यानी एक ही सिमत में सीधा हरकत करती है, रादर देन रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस, बजाय इसके कि अपने एक्सिस के गिर्द ही मूव करती जाए.
We define wheel and axle such as the force, effort of force is always applied on the wheel and the load of force is always acting on the axle. तो हम wheel and axle को define कर सकते हैं ऐसे ऐसे करेंगे कि यहाँ पे effort या फिर force जो है वो हमेशा wheel पे लगेगा लगता है and the load जो है वो हमेशा axle उसका काम play करता है. Wheel and an axle can be used in two ways. Wheel and axle जो है ये दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं. When we apply force on the wheel, जब हम force apply करते हैं wheel पे, to turn the axle, axle को turn करने के लिए, मोड़ने के लिए, it increases the speed, तो speed बढ़ा देता है. On the other hand, दूसरी तरफ, when we need to lift a heavy load, जब हमें ज़रूरत पड़ती है heavy load को move करवाने की, we apply force, हम force लगाते हैं on the wheel पे, to move the axle, कि वो axle को move करवाए. We can move a big car by applying a little force on the steering wheel. जैसे कि हम एक बड़ी car को move करवा लेते हैं, थोड़ी सी force लगा के उसके steering wheel पे, which will provide a big force to the axle, जो कि देगा बहुत बड़ी force axle को, and will easily turn the wheel into desired direction. और ये बदल देगा बड़ी आसानी से wheel को अपनी बयान की हुई direction. एग्जाम्पल्स हैं नीचे व्हील एंड एक्सल के, डोर नॉब, बाइक के पेडल्स, वाटर फॉसेट्स, कार व्हील्स, विंड टर्बाइन्स, विंड मिल, विंडलेस, स्क्रू ड्राइवर एंड स्टीयरिंग व्हील, ये सारे व्हील एंड एक्सल के एग्जाम्पल्स. इंक्लाइंड प्लेन. इफ यू एवर वॉक्ड ऑन अ रैंप, अपर रैंप, then you are familiar with one of the simple machine that people have used for thousands of the years. अगर आप कभी चले हों रैंप यानी कि ऐसी अमूदी जगह पे, तो फिर आप वाकिफ हैं उस सिंपल मशीन से जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं हज़ारों सालों से. यू विल डिस्कवर वाई यू कैन सी देम इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस. आपको पता चलेगा कि आप इसको क्यों देख पाते हैं बहुत ज़्यादा जगहों पर, जैसे कि रैम्प्स में, डोर स्टेप्स में, एक्सल्स में, एनी वन इन स्क्रूज में. एंड यू विल लर्न हाउ इंक्लाइंड प्लेन डिक्रीजेस. और आपको ये पता चलेगा कि कैसे जो अमूदी सरफेसेस हैं वो डिक्रीज कम कर देती हैं अमाउंट ऑफ एफर्ट को. यू नीड टू मूव समथिंग जो आपको चाहिए होता है किसी चीज़ को हरकत देने के लिए. इट इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट. ये बड़ा आसान सा एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है. एंड इंक्लाइंड प्लेन ऑन अर रैम्प, इंक्लाइंड प्लेन या फिर रैम्प इज़ वन ऑफ द बेसिक मशीन. ये एक जो है बुनियादी मशीन है. It reduces the force necessary to move a load. ये कम कर देती है उस फोर्स को जो ज़रूरी होती है लोड को मूव करवाने में, टू अ सर्टेन हाइट, एक खास जो है वो हाइट पे, बाई प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर द लोड टू मूव एट अ लो एंगल टू द ग्राउंड. उसको जो है वो जगह फ्राहम करके लोड को ऐसे एंगल में ग्राउंड की तरफ, यानी कि ऐसे अमूदी हो जाती है. ये डायरेक्शन शेप बनाई हुई है इस तरह से. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने, अगर ये सीधा होता जितनी फोर्स चाहिए थी इसको पहुँचाने के लिए, वहीं पे जब ये अमूदी डायरेक्शन में आ गया, टेढ़ा हो गया, तो अब इसको ऊपर पहुँचाना है चीज़ को, यहाँ पे वहाँ से नीचे लेके आना आसान हो गया. फोर्स कम लगेगी और ये ग्रेविटी के जरिए असर आके खुद बहुत मूव करेगा. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप सरफेस. सबसे ज़्यादा आम एग्जाम्पल मिसालें इंक्लाइंड प्लेन की स्लोप सरफेस है वही अमूदी जगह. फॉर एग्ज़ाम्पल रोडवे ब्रिज, ब्रिज बना होता है ड्यू टू हाइट डिफरेंसेस, डिफरेंसेस की वजह से दोनों जगह पे हाइट का फ़र्क होता है. द इंक्लाइंड प्लेन इज़ यूज टू रिड्यूस द फोर्स नेसेसरी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो इंक्लाइंड प्लेन की को जरूरत पड़ती है कम करने के लिए वो फोर्स जो कि ज़रूरी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कम कर देती है. वैन एलिवेटिंग और लोअरिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, जब आप ऊपर भेज रहे होते हैं या फिर नीचे उतार रहे होते हैं किसी भारी चीज़ को. रैम मेक्स इट ईजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन बाई एक्सटेंडिंग द डिस्टेंस. इसी तरह से रैम पे जो वो आसान कर देता है चीज़ को ऊपर नीचे हरकत करवाना फासले की वजह से. तो यहाँ तक जो है ये हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. ये हमारी एक फैमिली कम्प्लीट होती है सिंपल मशीन्स की, लिवर. और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम वेजेस स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.